आपको इसमें रोमांस मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे और थोड़ा सा हॉरर मिलेगा. मतलब इट्स अ मिक्सचर आप बोल सकते हैं. सो बहुत अच्छा लगा काम करके. स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और को आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे. टीम, इट्स अ टीम वर्क और बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके. तो प्रैक्टिकली ने कहा कि चार प्रोजेक्ट किया है जिनके साथ कर रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या प्रोजेक्ट्स उसके बारे में बताइए. हाँ, मेरी पहली इनके साथ थी लतीफ़ टू लादेन एंड उसके बाद हमने साथ में काम किया था शादी के पता से, जो इनकी पहली मूवी थी, आई थिंक थी. और ये है सबने बना दी जोड़ी. तो अच्छा लगा, एक हर एक प्रोजेक्ट में मुझे हमेशा से कुछ नया सीखने को मिला है. मतलब उसमें कुछ और करेक्टर था, इसमें कुछ और इसमें कुछ और, तो एक वेरिएशंस हो जाती हैं. मतलब एक एक्टर के लिए वेरिएट करने का अच्छा मौका हो जाता है. तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके. तो जैसे आप जम्मू के रहने वाले हैं जी, तो इतना आसानी वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं नहीं, बहुत कम आते हैं. आर्टिस्ट बन गई है, नाम कमा लिया, क्या करने जाएंगे. हाँ नहीं, एक्चुअली मैं इस फील्ड में हूँ, जम्मू में काम करती थी. तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 12 इयर्स हो गए. मैं थिएटर भी करती हूँ, आई एम थिएटर आर्टिस्ट आल्सो. सो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो जिसको मैं मिस भी नहीं करना चाहती थी. एक अपना कैलिबर दिखाने का एक मौका भी था मेरे पास, तो सो आई एक्सेप्टेड. सर, आप जानते हैं आपका क्या प्रोफाइल है और ये जो प्रोजेक्ट है क्या हो जाते हैं. हाय, माय नेम इज़ अर्जुन मन्हास और मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, बट इट्स बीन 3 ईयर्स कि मैं मुंबई में रह रहा हूँ. और इस फिल्म में मैं एज अ लीड हूँ और इसमें एज अ इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो प्रियांक के नाम से है, उनके ऑपोजिट. और मैंने पहले टीवी शोज़ किए हैं. सोनी टीवी का शो किया है बड़े भैया की दुल्हनिया, जी टीवी का शो किया है ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं. उसके बाद मैंने हिमालय का ऐड किया है फेस वॉश का. उसके अलावा रिसेंटली शाहिद के साथ मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी शादी के पतासे, जो जुलाई में रिलीज़ हुई थी थ्रू PVR ऑल ओवर इंडिया. और ये मेरा जो है नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है जो कि 31 जनवरी को रिलीज़ होने वाला है, सबने बना दी जोड़ी. और शाहिद को मैं काफ़ी देर से जानता हूँ. वी हैव डन कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, वेब सीरीज़ भी हम लोगों ने की है प्राइम पिक्स के लिए. और जो आपके एक्ट्रेस हैं, खूबसूरत एक्ट्रेस होंगे, उनके देखते हैं कैसे अनुभव था. नेहा के साथ मैं पहली फिल्म में काम कर चुका हूँ जो कि शादी के बतासे थी, बट उसमें ये मेरे ऑपोजिट नहीं थी. शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं ये. और पहले ये मेरे ऑपोजिट नहीं थी, बट इस फिल्म में ये मेरे ऑपोजिट हैं और बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके. तो आगे क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है आपकी एक्टर? एज एन एक्टर कुछ अभी प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप. हम लोग वेब सीरीज़ एक शूट करने वाले हैं, उसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है मूवी का. तो लेट्स सी. मुझे अपना बताइए क्या आप देख रहे हैं इसमें और कितने एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर. हाय, मेरा नाम निदा है और मैं इस फिल्म में ये कैरेक्टर जो कर रही हूँ वो काफ़ी हद तक रियल लाइफ में मुझसे मिलता जुलता है. जैसे कि मैं जो लीड हीरोइन है उनकी सिस्टर हूँ, तो उनकी सिस्टर जो होती है वो काफ़ी बोल्ड होती है, काफ़ी मॉडर्न होती है. वो अपनी फैमिली से कुछ ज़्यादा ही अलग होती है. लाइक बाकी लोग सिंपल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और मॉडर्न होती है, जैसा कि मैं रियल लाइफ में हूँ. तो मुझे लाइक मेरे जैसे जैसी मैं हूँ वैसा ही कैरेक्टर करने को मिला. बहुत ईजी था मेरे लिए और काम करके सबके साथ बहुत अच्छा लगा. बाकी सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो अच्छा लगा. मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि इससे पहले मैंने कोई फिल्म नहीं की थी, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है. तो मैंने एंजॉय किया, अच्छा लगा मुझे इस कैरेक्टर के साथ में एंजॉय किया मैंने. तो ये आपकी फर्स्ट फिल्म थी, इस फर्स्ट फिल्म से आप किसकी जोड़ी बनाने जा रही हैं? इस फर्स्ट फिल्म के साथ मैं अपनी जोड़ी बनाऊंगी, बट कुछ ऐसा था नहीं कि कोई जोड़ी बनाने गए थे हम, बट अच्छे फ्रेंड्स मिले, काफ़ी लोगों से कनेक्ट हुए, मज़ा आया सबके साथ काम करके. इससे पहले जो है मैंने मॉडलिंग तो नहीं की है, बट प्रिंट मॉडलिंग की है. उसके पहले मैंने टीवी में काफ़ी कुछ किया, एपिसोडिक, लाइक बिग एफ आपने सुना होगा MTV के लिए, और क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, म्यूजिक वीडियोज़ किए हैं, सीरियल में कैमियोज़ किए हैं. तो इसके पहले मैंने कोई फिल्म नहीं की थी, बाकी टीवी के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया. आप इंट्रोडक्शन बताइए क्या करना चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में. हाय, दिस इज किरण, दिस इज़ माय फर्स्ट मूवी. आई एम सो एक्साइटेड कि ये मेरी फर्स्ट मूवी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है. और इस फिल्म में मैं मेन लीड की जो हमारी हीरोइन है मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ. और ये बहुत ही नटखट टाइप की मेरी कैरेक्टर है और मुझे बहुत मज़ा आया ये शूट करने में. और मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि हम सेट पे जाएंगे सब कैसा होगा, मैं बहुत नर्वस थी. लेकिन जब मैं अपने ग्रुप के साथ गई बहुत मज़ा आया और बहुत ही अमेजिंग फिल्म है. आई एम श्योर कि जब ये सिनेमा पे टीवी पे आएगा, लोग जब देखेंगे यूट्यूब पे, तो बहुत इन्जॉय करेंगे.
ये जो है हॉरर कॉमेडी मूवी है जो हम शूट करने के टाइम पे बहुत मजा आया था. आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे. तो ड्रेस भी अपने प्रिंस से जैसे पहन रखा है. ड्रेस तो खैर मैंने अपने लिए पहना था और इससे ऐसा रिलेटेड कुछ नहीं है फिल्म से. आपका बैकग्राउंड क्या क्या है? मेरा बैकग्राउंड है मैं इससे पहले ज्वेलरी शूट कर चुकी हूँ और मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ और टीवी सीरियल्स वगैरह और दो फिल्में इससे पहले कर चुकी हूँ बट वो अभी तक रिलीज नहीं हुई इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके. हाँ ये लाइफ में भी फ्रेंड्स हैं और हम फिल्म में भी लाइक ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड होती है बट मोस्टली हम साथ में होते हैं ऐसा होता है. या हम दोनों फिल्म में भी फ्रेंड्स ही हैं. सर जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसा अनुभव था, क्या प्रोजेक्ट है और बेसिकली रोल क्या प्ले कर रहे हैं? मेरा कैरेक्टर जो इसमें है थोड़ा सा मेरे में जितना भी मैंने काम किया आज तक उससे अलग है क्योंकि मैं एक सिद्धार्थ जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें और ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट ही कह सकता हूँ बिकॉज मैं कॉमेडी अक्सर नहीं करता. और आई कैन से अगर फिल्मों का ताल्लुक है ये मेरी पहली फिल्म है जो विच इज़ कम्प्लीट कॉमेडी और करने में बड़ा मज़ा आया इस फिल्म को और थोड़ी तैयारी की थी. बाकी एज एन एक्टर तो इंसान ऑन स्पॉट जो भी इंस्टिंक्ट निकले वो कर लेता है और कई चीज़ें इस फिल्म के बारे में जो हैं वही ऑन स्पॉट ही हुई, एक्सटेम्पो हुआ. अल्टीमेटली कोशिश रही कि काम अच्छा करें और उम्मीद है कि फिल्म भी अच्छी बनेगी. ये भी जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स के पार्ट रह चुके हैं, पानीपत हो गया, केसरी हो, क्या कहना चाहेंगे कि बड़े प्रोजेक्ट्स के पार्ट बनने के बाद एक एवरेज प्रोजेक्ट में करना कितना मुश्किल रहता है? नहीं मुश्किल नहीं है एक्चुअली, एक हमारा फर्ज भी बनता है कि हम एक दूसरे का साथ दें. एक प्लेटफॉर्म जो बना है जो अपकमिंग टैलेंट है शाहिद भाई जो हैं हमारे दोस्त हैं डायरेक्टर हैं अच्छी फिल्में बनाते हैं तो इनका भी हम कल कुछ फिल्में से पहले भी कर चुका हूँ मैं उनके साथ और इस फिल्म के साथ जो मेरी बाकी बॉलीवुड की फिल्में हैं वो डेफिनेटली मैटर करती हैं. उनसे बड़ा प्रोफाइल बनता ही है लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं अपनी जे एंड के की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसको 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 बढ़ावा देना हमारा फर्ज है. इसमें तो ये बॉलीवुड फिल्म है लेकिन बनी वहाँ पर है सो मैं इसीलिए उस जे एंड के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या है कि लाइक आई एम रिलेटिंग इट थ्रू जे एंड के फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज द होल टैलेंट मोस्ट ऑफ द टैलेंट इज फ्रॉम जे एंड के. सर आप क्या प्रोजेक्ट क्या रोल? जी एक्चुअली शाहिद भाई के साथ ये मेरी दूसरी एक्सपीरियंस है. इससे पहले शादी के पतासे में काम किया था. एक्चुअली देखा जाए तो मैं एक्टर हूँ नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि एक्टिंग करनी है तो आई डिड इट. जैसे राहत भाई ने भी इनके बड़े भाई साहब उन्होंने भी कहा कि आप एक्टर हो तो आपको एक्टिंग करनी चाहिए तो मैंने एक्टिंग की एंड इनका भरोसा था कि मैं कर पाऊँगा कॉमेडी लेकिन मैंने इससे पहले कॉमेडी की नहीं थी. अब पता नहीं कैसा हुआ है. आई एम वेरी होपफुल विद दिस फिल्म. कैसी बनी है वो अभी पता चलेगा लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद जो नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग तो होता ही है हमेशा. तो अनुभव कैसा था शूटिंग के दौरान इस फिल्म के? बहुत अच्छा. इस फिल्म का क्या, हमने जितनी भी फिल्में की हैं सबका अनुभव बहुत अच्छा रहा है. फ्रेंडली माहौल होता है और कोई क्या कहते हैं कि वो स्टार वाली बात नहीं है, सब भाई भाई जैसे फ्रेंडली बातें होती हैं और बहुत अच्छा लगा. तो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करें जाने एक्टर कोई प्रोजेक्ट है आपके पास इधर? अभी तो मेरी फिल्म आ रही है एज अ डायरेक्टर लाइंस बिना खान की जिसमें डेब्यू होगा और इसके अलावा कुछ एक फिल्में हैं जो आ रही हैं. अभी अगर हम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की बात करें तो लक्ष्मी बॉम्ब ईद पे आ रही है अक्षय कुमार के साथ और तो कांचना 2 का जो रीमेक है जो वो आ रही है और शेरशाह धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है उसमें वही जो नॉर्मल बॉलीवुड में मैं करता हूँ विलन तो उसमें भी विलन का किरदार निभा रहे हैं. तो एक वेब सीरीज़ अभी हमने की है नीलेश पांडे सर की स्पेशल ऑपरेशंस और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और हमने एक जिस फिल्म का इन्होंने जिक्र किया एक और फिल्म हमने बनाई थी पहले किया था तो वो फिल्म भी आ रही है. राहत भाई की राहत खान के साथ के बड़े भाई लिहाब बहुत बड़ी फिल्म आ रही है और भी दरअसल मैनी अदर फिल्म और प्रोजेक्ट्स भी हैं और मैं तकरीबन यहाँ पे सारे कास्ट को देख रहा हूँ. सिर्फ एक चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है वो है यहाँ के इसकी एक और हीरोइन है सनम
किसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाई हैं, तो उनकी तरफ से भी सबको कैसे उन्होंने ये कहा था कि बेस्ट विशेज कर देना सबके लिए, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर द मूवी सबने बना दी जोड़ी, और आई गॉट अ चांस टू सिंग इन दिस। तीन में से एक गाना मैंने गाया है, बातें अनकही सी, एंड इट्स द म्यूजिक इज़ ब्यूटिफुली गिवन बाय मुक्कू जी एंड तुहीन जी। सो आई ट्राइड माई बेस्ट इसके, सो दिस आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट मूवी आई एम सिंगिंग फॉर, सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड फॉर दिस मूवी। एंड अभी हम ट्रेलर देखने वाले हैं, तो उसके लिए सुपर एक्साइटेड हूँ कि कैसा होगा ट्रेलर। सो 31st को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। आई नो इट्स गोना डू वेरी वेरी वेल। सो मेरा नाम दानिश अली, मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ इसमें। मैंने देखा है इसमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट पे, और मैंने मेरा किरदार एक लेट हीरो के फ्रेंड का है, तो बेसिकली पूरी फिल्म में साथ रहता है और मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। जैसे कि उसकी शादी हो रही होती है, तो उसमें उसकी वाइफ होती है गांव की, तो उससे हम लेकर के मस्ती करते हैं कि तेरी गांव की वाइफ है, ये सब है। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट पर, बेसिकली बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर सब साथ में थे, और पूरी यूनिट क्रू मेम्बर वाला बहुत अच्छा था, तो इसलिए बहुत मस्ती आई। हम एक्साइटेड हैं, टेलर लॉन्च में देखते हैं क्या, इतना मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। क्या प्रोजेक्ट है बेसिकली, क्या रोल है आपका और देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है, आप शायद यहाँ पर पास में खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने कभी सवाल किया ही नहीं कि मेरा रोल क्या है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। जो शायद बोलते हैं वो मैं कर देती हूँ। बस इतना मुझे पता है कि बहुत प्यारी फिल्म बनी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब्जेक्ट करते हुए, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग वेयर कॉमेडी और हॉरर दोनों मिलाकर अगर किया जाए, तो इट्स ऑलवेज अ हिट, लाइक यू नो दैट्स व्हाट आई फील। मुझे वो पसंद है, मेरी तरह और बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के सब्जेक्ट्स पसंद करेंगे। सो यू विल फाइंड समथिंग वेरी नाइस एंड स्पाइसी एंड गुड अबाउट द फिल्म। टेलीविजन पे आपको लोगों ने काफ़ी देखा है, लेकिन इस फिल्म की बात करें, इस फिल्म में आपके किरदार को लेकर कितना एक्साइटिंग है, कितना अलग किरदार होगा और क्या नयापन नहीं? भूत तो मैं पहली बार बनी हूँ, भूत मैं पहली बार बनी हूँ, और एक सीरियल ससुराल सिमर का आता था, उसमें मैं डायन बनी थी। तो मुझे लगता है चुड़ैल, डायन, भूत, इस तरह के रोल और मिलने शुरू हो जाएंगे शायद। फ्यूचर इज ब्राइट। अदर रोल्स आई हैव डन अ लॉट, ये जॉब ने शुरू किया अभी मैंने। तो शूटिंग के दौरान बहुत बार ऐसे भी सुनने में आता है कि एक किरदार निभाते निभाते एक डर भी कहीं ना कहीं होता है, तो आपके शूटिंग के दौरान ऐसा कोई सीन हुआ या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शुरू की थी फिल्में करना, दैट वाज वे बैक इन 85, तो तब मैंने हॉरर फिल्म्स काफ़ी की थी, मोहन भाकरे जी के साथ, राम सेस के साथ, तो वो एक आदत हो जाती है, डर वर की बात नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो मास्क होते हैं, मेकअप होता है, दुनिया की चीज़ें होती, और वैसे भी मैं ज़रा थोड़ी डरपोक टाइप की नहीं हूँ, सो भूत वूत से डर नहीं लगता। दीपिका की फिल्म आई है छपाक, जिसको लेकर मुझे जान का विरोध भी किया जा रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल विरोध नहीं करूँगी उस चीज़ का। आई लव हर एंड वट एवर शी डज, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत समझदार, खूबसूरती के साथ साथ जो उनको अल्लाह ताला ने सीरत और जो खूबियाँ दी हैं उनमें से एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वे शी सपोर्टिंग द राइट थिंग एंड आई एम टोटली इन फेवर ऑफ हर, और मैं ज़रूर जाऊँगी थिएटर में देखने छपाक। थैंक यू। थैंक यू। बेसिकली प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, एक लाइट फनी फैमिली एंटरटेनर कॉन्सेप्ट है, और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, तो इसमें एक अलग तरीके का फील आता है। एक आज के टाइम में ऑडियंस बहुत मैच्योर हो चुकी है, अलग तरीके का सिनेमा देखना चाहती है, तो कंसेप्चुअली थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है इसमें, जो रूटीन जो कमर्शियल बॉलीवुड होता है उससे। आपके बारे में आपका प्रोफाइल क्या बेसिकली, आप फिल्म में हाँ जी, मेरा
मेरा प्रोफाइल बहुत डिटेल में नहीं बताऊँ, मेरा है 15 साल से एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। मैं बेसिकली मैं क्रिएटिव में ही हूँ, सो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मैं टीवी शो कर चुका हूँ, म्यूजिक वीडियोज़ कर चुका हूँ, और बाकी इंडस्ट्री के कई बड़े बॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के साथ, कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने बहुत नॉन सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है, बट ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं प्रोडक्शन साइड से भी एसोसिएट हुआ हूँ। मेरा नाम तारिक इम्तियाज़ है, मैं इस फिल्म में मैंने पहले लीड करेक्टर प्ले किया है और इस फिल्म का राइटर भी मैं ही हूँ। तो मैं इस प्रोडक्शन डायरेक्शन डायरेक्टर के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ, हम लोग ऑलरेडी पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में कर चुके हैं और ये प्रोजेक्ट भी हमने साथ में किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं, जो आपका राइटिंग स्किल्स इसमें कैसे यूज़ किया है, किस तरह से आपने उसको क्रिएटिविटी आई है? नहीं, राइटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोई आप कॉन्सेप्ट या कुछ भी स्क्रिप्ट लिखते हो तो किसी भी सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें माइंड में रख के हम लोग लिखते हैं कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट में दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट है बिल्कुल। एक तो आप जो हमने हॉरर कॉमेडी जॉनर है, अलग फील दी है, बिल्कुल अलग टच दी है, वो आपको स्टोरी तो बताई दी होगी डायरेक्टर ने, अभी डिस्कस करने का इतना वो है नहीं। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है, दो पंजाबी फैमिलीज हैं, बिल्कुल टिपिकल पंजाबी फैमिलीज हैं, और उसमें जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे चल रहे हैं उसके अंदर। और जब वो एक घर में जिस जहाँ पर उनका वेडिंग होता है जिस घर में, तो वहाँ पे उन्हीं की शक्लों के भूत भी हैं, तो वो सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं फिल्म में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या कर रहे हैं एज एन एक्टर या एज एन राइटर जो करने वाले हैं? एज एन एक्टर अभी एक वेब सीरीज में भी शूट करके आया हूँ, राइटर भी उसका मैं ही था, और अभी एक और प्रोजेक्ट हमारा जो फाइनल हो रहा है वेब सीरीज है, वो भी लिख रहा हूँ। वैसे तो मेरा एडिक्शन का काम है, लेकिन मुझे शौक था फिल्म में काम करने का, फिल्म के लिए मुझे शौक था कि यार कभी ना कभी मैं फिल्म बनाऊंगा। तो बहुत काफ़ी टाइम से प्लान था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जब जिस टाइम से शाहिद भाई से जुड़ा तो शाहिद भाई हमें मिले, फिर हम आए मुंबई आए, फिर मैंने उनको देखा उनके सेट पर, बोला यहाँ आ जाओ, वहाँ गए, हमने कुछ कहानी ऐसी फ्रेंकली हमें बताई, वो वेब सीरीज का शूट कर रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने बताई कि आप जो भी किस तरीके की फिल्म करना चाहते हो या कुछ ऐसा सब जो हो जो सबसे अलग हो, सबसे अलग लिखा था। तो मैंने फिर बड़ा सोचा को जो फिर कहानी उन्होंने बताई कि अब कॉमेडी करें, जो यूथ होते हैं, जो आप ही का मुद्दा आपके सामने है तो कैसा लगेगा, कहानी सुनाइए, कहानी बताने लगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे हंसी आने लगी, जैसे पंच लाइन बताते हैं उस टाइप से कैसे काम करना चाहिए, ठीक है कब से स्टार्ट करना है, मैंने कहा शूट आपका पूरा कर लिया, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने 15 दिन एक महीने प्लानिंग की, और शूट पर निकल गए जम्मू कश्मीर का, शूट की वहाँ पर मौज मस्ती की, बड़ा मज़ा आया शूट करने में। जब सीन होते थे फिल्म के सामने तो वो सीन होते थे तो बड़े हंसी आती थी कि यार मतलब जो भी सीन होता था इसमें मैंने भी एक्ट किया है सलामी जी के साथ, भी कुछ मेरे भी कॉमेडी सीन थे, हुआ नहीं था, लेकिन शाहिद जी ऐसे डायरेक्टर है, जब मैंने कैमरा फेस किया तो उसे एक्ट करवा लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और फिर शूट हमारा पूरा हुआ। कहानी में मुझे ये लगा कि जब उन्होंने कहानी बताई तो इसमें मुझे ये अलग लगा कि जब आप ही का भूत आप ही के सामने हो, आप ही की शक्ल का हो, तो बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, कैसे हो सकता है आपका कैरेक्टर, कैसे उसके बारे में कैरेक्टर अच्छा है? प्रोड्यूसर है जी जी, कुछ रोल भी कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने इसमें एक्ट भी किया है, सलामी जी के साथ भी मेरा सीन है, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो फर्स्ट टाइम किया। मोहन जी बता दीजिए, पी आर ओ जो इनके उनका तो तारीफ कर दीजिए। बहुत मोहन जी पी आर ओ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मुझे काम करना था, आज उनके साथ भी मुझे मौका मिला काम करने का, तो मैंने उनके साथ भी काम किया, और इस तरीके से हासरानी जी के साथ उम्मीद है आप इतनी अच्छी फिल्म लेकर आए हैं, और मोहन जी से प्यार क्या लगता है, इसे किस तरह से इसका प्रमोशन करेंगे?
क्योंकि प्रमोशन पे डिपेंड होती है फिल्म कितनी अच्छी आती है। जो मीडिया होती है उनका मजाक अच्छे से इसको प्रमोट करेंगे। यार जो है मोहन जी की उनके बारे में काफ़ी सुना है, मीडिया को लेके आते हैं उनके इवेंट में भी गया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी फिल्म का मीडिया तब जब भी बनाऊंगा जब आप भी करोगे लोला सर आप एक बार मौका दीजिए मुझे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सबके लोग जाएंगे बता दीजिए। अरे यार क्या कर रहे हैं उधर, रुक जाओ ना काट देना रीडिंग में। अरे तुम्हारे लिए एक छोटा बना, छोटा ग्रुप बनाइए, इतना बढ़िया ग्रुप बनाया यार, बहुत अच्छा फोटो और वीडियो। अच्छा फोटो भी भूत वाला भी तो पोज देना है क्या नॉर्मल। So, sir, tell us about the film and why did you sign the film? What was the idea? There are so many, you know, there's this. ये इकलौती फिल्म मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे सारे ही कैरेक्टर्स डबल रोल में हैं शायद, है ना? तो अच्छा ओके 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 अच्छा डरा रहे कितनी खूबसूरती से डरा रहे थे जी। ये शाहिद भाई के साथ इससे पहले भी काम कर चुका हूँ और इसके अलावा भी किसी और फिल्म के बारे में बात हुई थी इनसे, और जब इन्होंने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था तो कंसेप्ट अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, और मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैं एक अलग जोन में हमेशा काम करता हूँ। नॉर्मली आई प्ले द नेगेटिव कैरेक्टर्स इन मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड फिल्म्स, और इसमें एक कॉमेडी करने का मौका मिला जो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो मेरा कम्फर्ट जोन नहीं है, तो आई थॉट लाइक आई टू पिट इज अ चैलेंज कि देखो क्या होता है, लेट्स सी। और कुछ इंस्टेंटली चीज़ें हुई और जिसके प्रिपरेशन भी नहीं की थी, क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बनी कि स्पॉन्टेनियस हो गया काफ़ी चीज़ें, और जो मैंने अभी शॉट भी देखा है इसमें ट्रेलर में अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है जब हम सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो गुप्ता जी हैं, असानी साहब हैं, हमारे दोस्त हुसैन साहब थे उसमें, और it was wonderful working with him again and looking forward to work, और ये नए नए लड़के जो हैं, नया जी तो नई नहीं है खैर, ही शी इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस फ्रॉम जे एंड के, और भी एक्टर्स हैं हमारे जो यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं है, सरम जी हैं, रानी जी हैं एंड ऑल द अदर एक्टर्स, सो दे आर ऑल वंडरफुल एक्टर्स, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वर्क विद देम। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर हुसैन खान, प्लीज वेलकम सर। जी सर, आपके किरदार के बारे में बताइए कुछ। मेरा किरदार एज यूजुअल बाप का होता है आपकी फिल्म में। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा व्हाइल शूटिंग द फिल्म? सेम कहूंगा, इससे पहले कॉमेडी तो नहीं की थी, इन्होंने शाहिद भाई ने कहा कि नहीं करना है आप कर सकते हो, तो आई डोंट नो कैसी हुई है, अब ये जानते हैं। नाउ आई एम गोना कॉल ऑन द स्टेज द कैप्टन ऑफ द शिप मिस्टर शाहिद काजमी जी। Co-producer sir Vikas Arun Pant and the creative director of the film, जिन्होंने बहुत सारी films को creative direction और direct भी किया है। So आप बताइए कि इस film को आपने, जैसे उन्होंने बताया कि ये idea आपका था mostly, आपका था ओके सॉरी, सो इस आइडिया के बारे में बताइए, और इसमें जो बहुत सारे डबल रोल्स हैं और हॉरर कॉमेडी एंड देयर इज लॉट ऑफ, वी कैन सी देयर इज लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आइडिया जो था ये मेरा भाई है शोएब, वो भी डायरेक्टर और एक्टर, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था
मैंने हॉरर कॉमेडी का एक आइडिया ऐसा सोचा था, उनके साथ भी डिस्कस किया था, वहीं से निकल के आया। और हम लोग वेब सीरीज शूट कर रहे थे, ये मेरे फ्रेंड हैं समर जी, तो ये वहाँ पे आए थे, तो मैंने ऐसे ही इनको आइडिया सुनाया, तीन चार सीन सुना, इनको हंसी आ गई बहुत ज़्यादा, तो कह रहे अगर मुझे आ रही हो तो ये ऑडियंस को भी आनी चाहिए, तो इनको अच्छा लगा आइडिया, एंड देन इन्होंने बोला हम करते हैं ये, एंड देन उसके बाद हमने सडनली प्लान कर लिया जी। और फिल्म के बारे में क्या अलग है, वो ये है कि एक तो सारी की सारी कास्ट जो है, ये शायद पहली बार हुआ होगा, पूरी की पूरी जितनी भी कास्ट फिल्म के अंदर है वही डबल रोल प्ले कर रही है। और दूसरी नई चीज़ ये है कि भूत जो है बहुत इंसानों से डर है, मतलब इंसान इतना खतरनाक हो गया है कि भूत भी डरने लग गए हैं, तो ये ह्यूमर है, कॉमेडी है उसमें जी। आपको इतना अच्छा लगा आइडिया कि आपने प्रोड्यूस ही कर लिया, बताइए जी। एक्चुअली मेरा प्लान था फिल्म करने का, तो मैंने इनको कॉल किया, शाही जी आप कहाँ हो, तो बोले हम यहाँ शूट कर रहे हैं वेब सीरीज का, आप आ जाइए, तो बस हम ऐसे ही मिलने के लिए गए थे। मैंने कहा कुछ अगर फिल्म के लिए आइडिया हो तो बताइए, बोले कॉन्सेप्ट है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने मुझे सुना कि वही जिस तरीके से इन्होंने सुनाया, हंसी आती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से ये काम करते हैं, और एक्ट्रेस जो होता है उसको अच्छी तरीके से समझाते भी, उसे गाइडेंस भी करते हैं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते। तो क्या जो फर्स्ट टाइम एक्ट्रेस जो है आर्टिस्ट, वो अगर काम करता है तो ये उसको इस तरीके से समझाते हैं कि वो कर लेता है। तो जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कैसे जस्ट प्लान करते हैं, और आप जैसे ही बोलता है उसको करते हैं, तो फिर हम शूट पे और आपने अशरानी जी के साथ काम किया इस फिल्म में, सुबह पुलिस इसमें अशरानी जी के साथ काम किया, गुप्ता जी के भी साथ मिले काम किया। फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रीन शेयर की है, मैं अपने आप को कुछ नसीब समझता हूँ, कभी सोचा नहीं था मैंने स्क्रीन सेम करूँ, शेयर कर पाऊँगा। तो इन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया था कि आप बुलाए मेहमान हो, कुछ भी बना दिया, इसका भाई है, इसका भाई है, निका ठीक है, इनका रिश्ता भी तय नहीं था उसमें कि ये हैं कौन है। हम लोग शूट भी कर रहे हैं, बाद में हमने बोला ये कौन है, हो सकते हैं, और उससे पहले सीन में ये लोग तीन चार लोग पी रहे हैं, उनको एक लड़की दिखती है जिसको ये लाइन भी मार रहे हैं सारे, अगले सीन में पता चला रही ये तो बहन भाई है, बट वो काटा उस हिसाब से मैनेज कर लिया। मुझे पता भी नहीं था कब मेरी बहन आ गई और कब मेरा रिश्ता हो गया, ये तुम्हारी बहन है। अच्छा, तो इन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया, मजा आया। सर, इस फिल्म का जॉनर ऐसा है जिसमें क्रिएटिव डायरेक्शन का स्कोप ज्यादा है, तो आप उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। नहीं, क्रिएटिव डायरेक्शन का स्कोप जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, लाइक आर्टिस्ट और यूनिट मेंबर जो कैप्टन ऑफ द शिप है उनके साथ शोज करते हैं, अभी आपको सुनाएंगे पब्लिक डिमांड पे, प्लीज। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शाहिद जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, अर्जुन थैंक यू। और मैंने इसके लिए इसके पहले टेलीविजन पे गाया है, और दिस इज़ माय फर्स्ट मूवी एज अ सिंगर, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस। और हाँ जी ज़रूर, मैं कुछ सुना सकता हूँ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं
दिल हारी। थैंक यू सो मच।